करते हैं आज की एक बड़ी खबर का बात, मथुरा के कंस रामवृक्ष यादव से जुड़ी हुई। रामवृक्ष यादव की मौत को लेकर नया पेच अब सामने आ गया है। रामवृक्ष के वकील ने इंडिया न्यूज से साफ साफ कहा है कि रामवृक्ष यादव पुलिस के पूरे ऑपरेशन के बाद भी जिंदा था। हम आपको इस खबर से जुड़ी एक एक चीज दिखाएंगे, बताएंगे कैसे यूपी पुलिस के डीजीपी के दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या जिंदा है रामवृक्ष यादव? ये खबर सुनकर खलबली मच जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सांप सूंघ जाएगा। राम वृक्ष के जवाहर बाग में नहीं मारे जाने और उसके बाद भी उसके जिंदा होने की बात कोई और नहीं बल्कि खुद उसका वकील कह रहा है। जब मैंने सीओ सिटी त्रिपाठी जी से डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स मांगे तो उन्होंने मुझे डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स नहीं दिए और ना डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के किसी को दिया, तो मैं यही मानूंगा रामवृक्ष यादव एफआईआर नहीं हुआ है। जिस आदमी को राम वृक्ष बताकर पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया वो राम वृक्ष नहीं था, ये साबित करने के लिए तस्वीरों को सामने रखा जा रहा है। एक तस्वीर राम वृक्ष की है जब वो जिंदा था और दूसरी तस्वीर उस आदमी की है जिसको राम वृक्ष बताकर पुलिस ने दफना दिया। आप ये तस्वीरें देखने में खुद को असहज न महसूस करें, इसलिए हमने शव की तस्वीर के कुछ हिस्से को थोड़ा छिपाया है। अब जरा दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राम वृक्ष यादव के सिर पर आगे की तरफ बाल बहुत कम है, जबकि दूसरी तस्वीर जिसे राम वृक्ष का शव बताया गया उसमें सिर पर ज्यादा बाल नजर आ रहे हैं। अब जरा चेहरे के आकार पर गौर कीजिए। राम वृक्ष यादव का चेहरा लंबा है, उसके गाल भी धंसे हुए हैं, लेकिन इस शव का चेहरा गोल नजर आ रहा है, गाल भी फूले हुए हैं। राम वृक्ष के वकील की तरफ से एक बात और कही जा रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसी जल्दबाजी में थी। उनको एप्लीकेशन दी और दूसरे दिन मैंने सीओ सिटी को एक प्रत्यावेदन आवेदन दिया कि उसकी बेटी डेड बॉडी मांगती है। उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो डेड बॉडी का क्रिमिनेशन करा दिया, हमने 12 डेड बॉडी भेज दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने जिस लाश को राम वृक्ष का शव बताया क्या वो गलत था? आपके सामने उत्तर प्रदेश के डीजीपी का ट्वीट है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि राम वृक्ष मारा जा चुका है और उसके घर वालों को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। डीजीपी ने अपने ट्वीट में लिखा था, मथुरा में ऑपरेशन के दौरान मारे गए कुछ लोगों के शव की पहचान हुई है, जिसमें कुछ समर्थकों ने राम वृक्ष के शव की पहचान की है। आखिरी पुष्टि के लिए राम वृक्ष के परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है। लेकिन राम वृक्ष के वकील पर अगर यकीन करें तो मामला उलट जाता है। उसके बयान को हम आपके सामने फिर रख रहे हैं। राम वृक्ष यादव के बारे में लेटेस्ट जानकारी ही आ रही है निकल के कि राम वृक्ष यादव को जवाहर बाग से भाग के पुलिस लाइन में आकर घायल अवस्था में देखा गया है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मथुरा के लोगों ने 4 तारीख को वही सवाल उठाया था जो हम आज उठा रहे हैं। कैसे कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें राम वृक्ष यादव का सबूत। अब सवाल यह है कि अगर राम वृक्ष का वकील सही कह रहा है और मथुरा के लोग सही हैं, तो फिर राम वृक्ष यादव कहाँ है? पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल और है कि अगर राम वृक्ष जिंदा है तो उसके मारे जाने की गफलत कैसे हो गई? क्या कुछ लोगों ने भागने में उसकी मदद की? क्योंकि अगर वो घायल था तो वो अकेले ना तो भाग सकता था और ना ही अपना इलाज करा सकता था। सवाल फिर से वही है कि क्या राम वृक्ष जिंदा है? रविंदर सिंह, मथुरा, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी क्या कह रहे थे, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं मथुरा के डीएम क्या कह रहे हैं। आप श्योर है कि रामवृक्ष यादव की मौत हो चुकी है? अभी तक जो रिकॉर्ड है, देखिए मैंने बताया अभी हमें 24 घंटे नहीं हुए, जितना हमने रिकॉर्ड है, जितना हमने कल आईडी कर किया, पुलिस ऑफिसर उन्होंने जो कार्य उठाया उसके आधार पे उन्होंने शिनाख्त करी है और उसके आधार पे रामवृक्ष की उन्होंने बताया।
सीधे रुख कर लेते हैं मथुरा का, जहां से नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, जब से ये हिंसा हुई है आप वहीं पर हैं, वहां पर लोगों से भी बात कर रहे हैं, इस पूरी खबर को आप ट्रैक कर रहे हैं। नरेश, अगर जरा भी संदेह था कि जो डेड बॉडी मिली है, जो शव मिला है, वो रामवृक्ष यादव का है या फिर नहीं है, तो क्यों नहीं इसकी विस्तृत जांच कराई गई, क्यों नहीं डीएनए सैंपल्स को भेजकर जांच कराई गई? क्योंकि डीजीपी डीएम जो बात कह रहे हैं उसमें कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ जिन लोगों से पहचान कराई गई उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि रामवृक्ष यादव की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, जब से इस पूरे मामले को हम कवर कर रहे हैं तब से हमने एक चीज यहां पर नोट की है कि पुलिस कुछ जल्दबाजी में थी, क्योंकि लगातार जब भी उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार रामवृक्ष यादव कहां है, तो इस बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनका यही कहना था कि कुछ शव है जिनकी शिनाख्त होनी बाकी है, शिनाख्त के दौरान ही हो सकता है कि पता चल पाए कि रामवृक्ष यादव जिंदा है या मारा जा चुका है। इसके बाद अचानक ही पुलिस इस बात की पुष्टि करती है रात के समय कि हमें पता चला है कि रामवृक्ष यादव का ही शव अंदर भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह की बातें यहां पर अब निकल करके आ रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि 3 दिनों तक उसके परिवार का इंतजार किया गया लेकिन परिवार की तरफ से कोई नहीं आया। लेकिन जब शव का अंतिम संस्कार किया गया तो एक वकील आकर के कहने लगा कि वो उसका रामवृक्षा वकील है और उसको उसका शव चाहिए, लेकिन तब तक अंतिम संस्कार किया जा चुका था। हालांकि इसके बाद अब और नई चीजें निकल करके सामने आ रही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव जो टीम्स हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो भी लगातार यही जानने की कोशिश कर रही हैं इस बयान के बाद कि आखिरकार रामवृक्ष यादव को अगर घायल अवस्था में देखा गया था तो वो आखिर गया तो गया कहां। पुलिस लाइन्स के अंदर तमाम लोगों को रखा गया था जिनको गिरफ्तार किया गया था, हो सकता है कि वहां पर रामवृक्ष यादव भी हो लेकिन उस समय उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। लिहाजा ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके सवाल अभी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लगातार हमारी बात भी हो रही है एसएसपी सीओ सिटी और साथ ही साथ डीएम से भी, तो वो भी इन तमाम जवाब सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवालों से बचने से कुछ नहीं होगा नरेश, उन्हें अच्छे से जांच करानी होगी, क्योंकि मथुरा में जो हिंसा हुई उनके अपने महकमे के भी 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे, और इस तरह की हिंसा जो यूपी में हुई है अब उन्हें अच्छे से जांच करानी होगी और ये साफ करना होगा कि वो रामवृक्ष यादव था जिसका शव मिला था या नहीं। नरेश, धन्यवाद फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए। आगे